हेलो गाइस, सो आज हम लोग मिल रहे हैं और हम लोग आज जो करेंगे सबसे पहले वो शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस, आपका केमिस्ट्री का 12th क्लास का सिलेबस में। और इस चैप्टर के हम एक बार जल्दी से कुछ फॉर्मूले करेंगे और उसके बाद बोर्ड को सामने रखते हुए हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन हमें करने हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। एक पूरा फॉर्मूला पेज बनाया मैंने चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस का, तो एक बार फॉर्मूला देख के कौन से क्वेश्चंस उसके एनसीईआरटी में है, इन टेक्स्ट में, एग्जांपल्स में, बैक में, वो सब देखिए। और कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं आज लेके आया हूँ। तो जरा बिल्कुल पहले पेज पे चले जाते हैं इसके और हम शुरू करते हैं एक करके सॉल्यूशंस। और थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। सो सॉल्यूशन जो है चैप्टर नंबर 12 जो है इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं। हम कुछ क्योंकि अभी हम सिर्फ फॉर्मूला पे देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, भैया फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला बता दो। भैया देख लो फॉर्मूला, देख लो क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म इस चैप्टर के। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहले जो है ये कंसेंट्रेशन रिलेटेड फॉर्मूले हैं। सबसे पहले कंसेंट्रेशन के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कौन से फॉर्मूले हैं। सबसे पहले फॉर्मूला है मोलैरिटी का। मोलैरिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। जिन लोगों को ये नहीं पता है तो मैं उन लोगों के लिए बहुत ध्यान से बताना चाहूँगा कि दो चीज़ें होती है एक सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। या मैं उल्टा लिख देता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ सॉल्वेंट और फिर लिख देता सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो पहले से ही प्रेजेंट होती है और ज़्यादा मात्रा में होती है, कहाँ पर होती है, ज़्यादा अमाउंट में। इसको हम ए से डिनोट करते हैं और सॉल्यूट को हम बी से डिनोट करते हैं, कम मात्रा में होते हैं, लेस अमाउंट में होती है, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस। ज़्यादा और कम इसलिए मैंने लिखा है कि सब लोगों को समझ आ जाए बेसिकली बात क्या हो रही है, ठीक है। तो ए और बी। इसके अलावा एक और बात कि जो सॉल्यूशन है सॉल्वेंट और सॉल्यूट को, इसमें दो तीन हम चीज़ें के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम बात करेंगे डब्ल्यू के बारे में, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी। डब्ल्यू ए का मतलब है गिवन मास और ए का मतलब ऑब्वियसली ऑफ सॉल्वेंट। और ऐसी डब्ल्यू बी है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। एम ए जो होता है वो होता है मोलर मास। क्या होता है, मोलर मास। गिवन मास होता है जो आपको गिवन है और मोलर मास होता है जो कि पहले से ही ये कॉन्स्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। तो एम ए का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और एम बी का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हम सारे के सारे फॉर्मूले भी इसी हिसाब से डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी के हिसाब से देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि हमें आगे भी जाना है। तो सबसे पहले मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान से बात करेंगे, एक क्वेश्चन आता है, चलो अभी थोड़ी देर में जाता था। तो मोलैरिटी जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब क्यूबिक मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी अपॉन वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है बेटा डब्ल्यू बी बाई एम बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में है तो ऊपर थाउजेंड से हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको पूरे को ढंग से लिखेंगे तो हम लिखेंगे डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन एम बी। डब्ल्यू बी बाई एम बी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वॉल्यूम। तो ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से देखिए, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम थी, ये सॉल्वेंट का है। सॉल्यूशन मतलब टोटल, सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा मात्रा में है, जो ज्यादा अमाउंट में है। मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, सेम फॉर्मूला, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ए होता है, हाँ है ना। अभी थोड़ी देर पहली बात करिए कि बी जो है वो सॉल्यूट है, ए जो है वो सॉल्वेंट है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी को थाउजेंड से हम ऊपर, क्योंकि ये ग्राम में हम लेट कर लेंगे तो ऊपर थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन और ऊपर में थाउजेंड। नॉर्मैलिटी एक और चीज़ है, बट नॉर्मैलिटी आपके 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। आई विल नॉट कन्फ्यूज यू गाइस, तो आई विल जस्ट इग्नोर दिस वन राइट हियर राइट नाउ एंड गो टू मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को, और लिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम और स्मॉल एम। मोल फ्रैक्शन जो है उसको हम काय से डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं काय से।
और मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लेते हैं एक सॉल्यूशन में दो चीजें हैं ए और बी। ए का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसे हम कहते हैं एन ए और बी का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसे हम कहते हैं एन बी। ठीक है, ए का नंबर ऑफ मोल्स एन ए और बी का नंबर ऑफ मोल्स एन बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वो ऊपर, अपॉन टोटल नंबर, मतलब दोनों का एडिशन। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन अगर बी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बिल्कुल सही बात, अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ए का निकालना तो एन ए ऊपर, बी का निकालना तो एन बी ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स नीचे वाले जो है वो सेम ही रहेंगे। याद रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू वन। क्वेश्चन क्या आता है, फॉर्मूला के न्यूमेरिकल तो आएगा बट इसके अलावा क्या क्वेश्चन आएगा? इसके अलावा एक बहुत ही प्यारा बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन आएगा, वो आएगा कि मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन और नंबर ऑफ मोल्स, ये चार चीजें हैं, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स, इन चार चीजों में से कौन सी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इस पे डिपेंड करती है बेटा टेम्परेचर पे वो चीज डिपेंड करती है जिसमें वॉल्यूम होती है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो वॉल्यूम होती है मोलैरिटी में, वॉल्यूम जो होती है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। मोलैरिटी में क्यों नहीं, क्योंकि मोलैरिटी में मास ही बोला और मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। नंबर ऑफ मोल्स में भी मास है और नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन में भी मास है, तो सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी ऐसी चीज है जो कि डिपेंड करती है ऑन टेम्परेचर। तो इसका एक एमसीक्यू भी बन सकता है। इसके अलावा मोल्स का फॉर्मूला दे रखा है मास इन ग्राम्स ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स का फॉर्मूला सिंपल है डब्ल्यू बाई एन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट काट देता हूँ क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अभी ट्वेल्थ क्लास की बोर्ड के एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमारे पास एक दो तीन चार ये चार फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और हैं जैसे कि मास बाय मास, वेट बाय वेट, सॉरी मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम या फिर पार्ट्स पर मिलियन। तो ये सारे अलग अलग फॉर्मूले हैं, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, तो इसलिए हम उस चीज़ में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। मैंने इसके लिए छाट के रखे हैं आपके साथ कौन से क्वेश्चन भी इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे है, और वो जो क्वेश्चन है वो है आपके और वो जो क्वेश्चन है वो है आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 जो ऊपर क्वेश्चन करे उसके प्लस इंटेक्स क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच क्वेश्चन इंटेक्स के हैं जो कि हमने ऊपर फॉर्मूले यूज करे उसके। इसके अलावा मैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 29, 30 ये सारे के सारे जो है वो आपके मोलैरिटी वाले फॉर्मूले पे। याद रखें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मोलैरिटी, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना मोलैरिटी वाली चीज़ में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ आपका हेनरीज लॉ। सो अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले पे चल रहा हूँ। तो हेनरीज लॉ बोलता है कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब है कि प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा किसी भी गैस का, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा। और इसको बराबर करने के लिए P is equal to KH का है, where KH is Henry's constant, Henry's constant is। तो ये आपका एक और फॉर्मूला आता है P is equal to KH का, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ। और इसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है वो होता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ समझने के लिए आप लोग वीडियो देख सकते हैं, बट दोबारा समझने में सिंपल बात है कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, पी ए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे डिपेंड करता है, और पी बी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे डिपेंड करता है। दो चीज़ें ए और बी दोनों को एक साथ मिलाया, किसको, एक ए को एक बी को एक साथ मिला दिया, और मिलाने के बाद जो उसका प्रेशर है, ए का प्रेशर है पी ए, बी का प्रेशर है पी बी। बट भाई मिलाने से पहले क्या होगा, मिलाने से पहले इसका प्रेशर था पी ए की जगह पी ए नॉट, और जब ये भी खाली था अकेला था, अकेला होने के प्रेशर अलग होगा ना पी बी नॉट, है ना, कि अगर अपने आप अकेले रहते तो सीन अलग होता है, किसी के साथ जाते तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। वही एडजस्टमेंट ए ने करी ए नॉट से,
पी ए नॉट से पी ए बन के, और बी ने भी एडजस्टमेंट करी, भाई तुम कर रहे हो जरूरी, वो ऐसा नहीं है वो नहीं कर रही, बोलने की बात है। तो पी बी नॉट से चेंज होके वो बन गया पी बी। तो जब इसकी एडजस्टमेंट होने के बाद फॉर्मूला आया, वो आया यहाँ पे लिखा है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट का ए, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट का ए बी। इसका मतलब कि जो मोल जो प्रेशर है इस टाइम पे ए का, वो बराबर है इनिशियल उसका प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, और बी का जो प्रेशर है वो है इनिशियल उसका प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। तो ये हमारा है राउल्ट्स लॉ। हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ काफ़ी हद तक सिमिलर है, और राउल्ट्स लॉ हेनरीज लॉ का ही एक स्पेशल केस बोला जाता है। अगर आप पी ए नॉट की जगह पे का ए एच रख दो तो देखोगे तो दोनों चीज़ें सेम है, प्रेशर बराबर किसके हैं, प्रेशर प्रोपोर्शनल किसके हैं, मोल फ्रैक्शन के। इसके लिए इस टॉपिक के लिए एग्जाम्पल्स नंबर 4 और 5 हैं आपके एनसीईआरटी में, इंडेक्स क्वेश्चन 6, 7, 8 है, हो पाएगा तो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, और बैक क्वेश्चन 13, 35 and 39 क्वेश्चन है, शायद यही है, तो आप लोग इसको जरूर देख लिया। फिर हम आगे आते हैं, और हम आगे आते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। भाई ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका एग्जाम्पल नंबर 3.5 में कुछ पार्ट है आपकी एनसीईआरटी में, दिक्कत है तो वीडियो जाके देख लो, मैंने सारे को एग्जाम्पल्स कर रखे हैं वीडियो में। ये बराबर होता है वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल एंड वाई बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी टोटल। फिर वाई ए और वाई बी जो है मोल फ्रैक्शन, अभी बोलोगे भैया वो तो काए था, भैया काय जो था मोल फ्रैक्शन वो लिक्विड फेज में था, किसमें था, लिक्विड फेज में, और जो वाई है मोल फ्रैक्शन वो है आपका वेपर फेज में, किसमें बेटा, वेपर फेज में। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है वाई ए और वाई बी, ये बराबर है पी ए अपॉन पी टी पी टोटल, और वाई बी जो है वो है बराबर पी बी अपॉन पी टोटल। इसका मतलब अगर मैं पी ए निकालने जाऊँगा तो वो होगा वाई ए पी टोटल, और अगर मैं पी बी निकालने जाऊँगा तो उसका होगा वाई बी P टोटल। ये एग्जाम्पल नंबर 3.5 में सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद रखना वाई ए प्लस वाई बी, जैसे कि काय ए प्लस काय बी था, वाई ए प्लस वाई बी भी 1 के बराबर है, वाई ए प्लस वाई बी जो है वो भी 1 के बराबर, जैसे काय ए काय बी ऐड करते थे बना था, वैसे वाई ए प्लस वाई बी 1 के बराबर है। अच्छा एक क्वेश्चन आ जाएगा कि तीन सिस्टम का, तीन पार्टिकुलर सिस्टम है, तीनों के अलग अलग मोल फ्रैक्शन है, उन तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम लिखा, दोबारा सुनो, तीन पार्टिकुलर सिस्टम है, तीनों के अलग अलग मोल फ्रैक्शन है, उन तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या है। भाई देखो बहुत बेसिक सी बात, मोल फ्रैक्शन हो दो चीज़ का या तीन चीज़ का या 100 चीज़ का, मोल फ्रैक्शन का जो टोटल सम आना है ना वो 1 ही आना है। तो तीन सिस्टम का हो पाँच सिस्टम का हो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो क्या आना है, ठीक है, चाहे वो लिक्विड फेज हो चाहे वो वेपर फेज हो, मोल फ्रैक्शन का सामान है 1। अब आ रहे हैं भाई बहुत प्यार से, बहुत ही आराम से, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आ रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, किस पे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज अगर जिन लोगों को नहीं पता, पेपर बहुत पास से वैसे बता होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं अपॉन दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, कम अमाउंट वाला। तो जो चीज़ कम अमाउंट वाली चीज पे डिपेंड करती है उनको हम कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में, और सबसे पहली जो है वो है आपकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर एनसीईआरटी में लिखा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका अगर फॉर्मूला है थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा आपको छोटा सा दिख रहा होगा शायद, आई डोंट नो कि उधर से कितना विजिबल है, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ये थोड़ा सा 300 होने लगता है मेरे को, तो मैं दोबारा लिखता हूँ बहुत ही प्यार से बहुत ही आराम से। फॉर्मूला बनता है पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। पी ए नॉट माइनस पी ए का मतलब है पहले इनिशियली मान लो पानी रख रखा था, पानी का वेपर प्रेशर था पी ए नॉट, क्या था बेटा पी ए नॉट। अब पानी में डाल दिया हमने नमक, पानी में डाल दिया नमक, नमक डालने की वजह से वेपर प्रेशर जो हुआ वो पी ए नॉट नहीं रहा, मैंने कहा था ना एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हाँ आधे लोगों को तो बहुत सारे एडजस्टमेंट याद आ रही है। तो जो
पानी डालने, नमक डालने की वजह से पानी का जो वेपर प्रेशर है वो पी ए नॉट ना रह के अब बन गया पी ए, क्या बन गया पी एन। तो पी ए नॉट माइनस पी ए मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर, पहले ज्यादा था अब कम हो गया, रिलेटिव लोअरिंग है भाई तो कभी तो होगा, पहले ज्यादा था अब कम हो गया, अब ऑन इनिशियल कितना था, और ये डायरेक्टली तो ये इक्वल होता है काई बी के, किसके काई बी के मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला अगर याद हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अच्छा इतनी बात ध्यान रखना कि भैया इस फॉर्मूले को ना, वैसे तो यही फॉर्मूला है बट इस फॉर्मूले को ना आप हर जगह यूज नहीं करोगे, ठीक है ना, तो इसकी जगह आप एन ए बाई एन बी की जगह, एन ए प्लस एन बी की जगह, क्योंकि भाई क्या बोला था, ए जो है सॉल्वेंट है जो ज्यादा होता है, बी जो है वो सॉल्यूट है जो कि कम होता है, तो इसको हम एन बी इजी करेंगे अपन एन ए ले लेते हैं। एन ए प्लस एन बी जो नीचे है, कि हम जानते हैं एन बी इतना छोटी वैल्यू है कि उसे एन ए में ऐड करोगे तो भी ज्यादा फर्क आएगा नहीं, तो एन ए प्लस एन बी को क्या लोगे एन ए, तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट बराबर है एन बी अपॉन एन ए के, पक्का एन बी और एन ए को खोले अगर डब्ल्यू बी के हिसाब से, तो डब्ल्यू बी बाय एन बी और नीचे खोलेंगे एन ए को डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर है पी ए नॉट जो उधर लिखा है देखो माइनस पी ए बिल्कुल सही बात है अपॉन पी ए नॉट, और ये जो है हमारा पहला फॉर्मूला आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये किस चीज का फॉर्मूला है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहली। वीडियो में देख सकते हो वैसे आप लोग भेजेंगे बच्चे को दोबारा दोबारा दिखाएंगे। इस पर जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 9 और बैक क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 34, 35, 38 के सारे क्वेश्चन जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके बोर्ड के पेपर 5-6 दिन दूर है, 10 दिन दूर है, 15 दिन दूर है, 1 महीना दूर है, भाई करके रखो, 1 साल पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो बोर्ड के पेपर से तो करके क्यों नहीं रख रहे हो, क्या दिक्कत पड़ रही है आपको, पर अगर 3 दिन बचे तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, एग्जाम्पल इंडेक्स कर देना कोई दिक्कत नहीं। अगला ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई से डिनोट करने से, और ध्यान रखना पाई इज इक्वल टू होता है सी आर टी, सी इज द मोलैरिटी, मोलैरिटी स्टार्टिंग होता है सेंटर में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो पाई इज इक्वल टू एन बी आर टी बाई वी। ध्यान रखेंगे इस बात को, इस टॉपिक में आर की वैल्यू आप ले सकते हो 0.082 या 0.083, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा 0.083 ले लेना मेरे भाई, कुछ दिक्कत नहीं है, इतना पॉइंट में दिक्कत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर की वैल्यू क्या ले लोगे आप 0.083, अगर गिवन नहीं है तो, वरना 0.0821 गिवन हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सी यूनिट है, अगर यूनिट लीटर पर एटीएम, लीटर एटीएम पर केल्विन है तो 0.0821, और अगर मीटर बार पर केल्विन पर मोल है तो 0.083। खैर इतना आप लोग कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको बराबर कर सकते हो, पाई इज इक्वल टू एन बी बाई बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स इनटू आर दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर, ये है आपकी दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी पे जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 11 इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 12 और बैक का क्वेश्चन नंबर 22। पाई देखो ज्यादातर बोर्ड में नहीं आता, आने के चांसेस होते हैं पर ज्यादातर नहीं आता, तो मतलब कम चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा जीरो, पता चला पेपर में आ गया आप मेरे को बोलो जी आपने बोला था, पर हाँ बहुत कम चांसेस है। अगली जो चीज है वो है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि आपने किसी चीज में पानी में नमक डाला, पहले पानी का बॉइलिंग पॉइंट था 100, अब हो गया 101, बड़ा घटा। अरे भाई बोलना तो ये बोलना है, वीडियो पूरी देख रहा है बोल नहीं रहा, बड़ा था बड़ा या घटा, बढ़ गया, और जब वो 100 से 101 हो गया तो वो जो एलिवेशन हुई है, जो 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क आया है, उसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, भैया बहुत ही प्यार से बोल देते हैं इसको डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी जो है एलिवेशन मतलब कितना चेंज हुआ है वो बराबर होता है बेटा पहले कितना था, मतलब चेंज हुआ है तो एलिवेशन हुआ, एलिवेशन मतलब बढ़ गया, टीबी माइनस टीबी नॉट फाइनल माने माइनस, ठीक है टीबी माइनस टीबी नॉट ये आपका एलिवेशन है, और ये बराबर होता है, ये प्रपोर्शनल होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी के, मोलै
लिटी, लिटी माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इक्वेट करने के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी इज एलिवेशन पॉइंट कॉन्स्टेंट या फिर एबुलियोस्कोपिक, स्कोपिक की स्पेलिंग तो मैं भूल ही गया था एकदम से, कॉन्स्टेंट। ये मेरा सी एस आई है भाई, इसको अगर हम पूरा खोल के लिखो तो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है के बी इंटू मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट, डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये आपका पूरा फॉर्मूला है, इसको ये आप ऐसे स्क्रीन शॉट सा मार लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके कोई भी एलिवेशन पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे एलिवेशन क्वेश्चन यही ऐसे ही कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। याद रखना जब भी एलिवेशन निकालना हो तो डेल्टा टी बी निकलेगा, अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो तो टी बी माइनस टी बी नॉट, डेल्टा टी बी की वैल्यू निकालो पहले इससे और फिर यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू में से जो पता है वो पता करके दूसरी वैल्यू निकाल दो। और चौथी अभी क्वालिटेटिव प्रॉब्लम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें इंटेक एग्जाम्पल नंबर 7-8 और इंटेक क्वेश्चन नंबर 10। बैक में शायद इसमें भी क्वेश्चन है नहीं, हो सकता है मैं इसे गलती बोल सकती बट देख लो चेक कर लेना। फिर हम आते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या देखो जो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला था सेम फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, फर्क क्या है? इस बार जो के एफ की उधर के बी था इधर के एफ है, उसको एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कहते थे इसे क्रायोस्कोपिक, स्कोपिक सच में स्पेलिंग नहीं आती बिल्कुल, कॉन्स्टेंट ठीक है। और सेम फॉर्मूला रहेगा इसका, अच्छा ठीक है उसमें एलिवेशन थी इसमें डिप्रेशन है, डिप्रेशन माने कम होना, इसका मतलब पहले ज्यादा था नॉट वाली वैल्यू ज्यादा थी बाद वाली वैल्यू कम है। नॉट वाली वैल्यू हमेशा पूरे चैप्टर में जो है वो इनिशियल को दिखाती है, प्योर को दिखाती है, डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू बी। तो डेल्टा टी एफ की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो ये सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, इधर कितने वेरिएबल हैं 1 2 3 4 5, पांच में से चार वेरिएबल गिवन होंगे, एक वेरिएबल निकालना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे इसमें, ज़्यादा दिक्कत करने की बात है नहीं, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम्पल नंबर 9-10, इंटेक क्वेश्चन नंबर 11 और बैक क्वेश्चन 20 और 21, ये दोनों के दोनों इस वाले ही टॉपिक पे है। फिर आते हैं जो मेन चीज़ है भाई सॉफ्टवेयर है, भैया ये बता दो, भैया ये बता दो, भैया ये बता दो, वेंट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन नहीं आते, कुछ नहीं आ रहा, वेंट ऑफ फैक्टर कुछ नहीं आ रहा। अबे रुक जाओ भाई, थम जाओ। पहली बार वेंट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन जो आएगा अगर आ भी गया तो 3 नंबर ज़्यादा का आएगा नहीं, 67 आ गए तुम्हारे, और अगर आ गए तो भी यार इतना मुश्किल थोड़ी है। ऐसा क्या है सुन तो लो, एक बार देख तो लिया करो, देखो वेंट ऑफ फैक्टर से ऊपर चल गया। हाँ देखो वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर के कुछ फॉर्मूले ने एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो कि है ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, या फिर कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या फिर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, टूटने जुड़ने से पहले। वेंट ऑफ फैक्टर कहाँ यूज़ करेंगे, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा वेंट ऑफ फैक्टर कहाँ यूज़ करेंगे, हम कैसे यूज़ करेंगे। अभी भाई रुक जाओ, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई बोल रहा है कि चीज़ें टूट रही हैं या चीज़ें जुड़ रही हैं, एसोसिएट हो रही हैं या डिसोसिएट हो रही हैं, लगा देना ना वेंट ऑफ फैक्टर। किसी चीज़ में एबनॉर्मल आ गया मोलर मास तो उसमें लगा देना ना वेंट ऑफ फैक्टर। एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 मैं नहीं करा रहा हूँ, सीधा सीधा वीडियो जाके देखो चैप्टर नंबर 2 की, वहाँ मिल जाएंगे अच्छे क्वेश्चन है, कर लेना। बाकी मैं देखता हूँ बता दिया, देखो या तो ये फॉर्मूला हो जाएगा या फिर वेंट ऑफ फैक्टर को इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर कोई चीज़ डिसोसिएट हो रही है, डिसोसिएट मतलब रही मतलब टूट रही है, पहले वो एक थी अब वो टूट के 2 बन जाएगी, 2 से ज़्यादा बन जाएगी, तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी भैया, क्या होगी ज़्यादा। और डिसोसिएशन के लिए अल्फा डिसोसिएशन का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना ज़्यादा टूटा है वो बराबर होगा आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अभी फॉर्मूले में लगा के दिखाऊंगा तो बड़े प्यार से आ जाएगा। दूसरी चीज़ है एसोसिएशन, क्या है एसोसिएशन, दो चीज़ें मिलकर कुछ चीज़ बनेगी, कम हो गई ना पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई,
तो जब पहले ज्यादा थी दो चीजें थी, अब एक चीज बन गई, तो एसोसिएशन आई की वैल्यू वन से हमेशा कम रहती है, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला है वन माइनस आई अपॉन वन माइनस वन बाई एन। वही आगे दिखाएंगे, एनसीईआरटी की बात नहीं, ये लिख लो, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 12-13 उसमें मिलेगा आपके वीडियो में, और बैक क्वेश्चन 32-37-40-40 32-33-40-41 ये सारे वेंट ऑफ फैक्टर हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है, इसके अलावा वेंट ऑफ फैक्टर कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, और यहाँ पे जितनी भी आपके पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें आई लगा देना आगे, वो आपका वेंट ऑफ फैक्टर का काम करेगा। क्वेश्चन करते हैं तो पता चलेगा कि सीन क्या चल रहा है।